2 साल पहले 378 दिनों तक चले आंदोलन के बाद किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। मॉडिफाइड ट्रैक्टर, कई महीनों के राशन से लोडेड गाड़ियां और बड़े बड़े काफिले लेकर किसान मंगलवार को दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े। बचा रही MSP और इसके अलावा उनकी कई अन्य मांगे, जिन पर उन्हें सरकार से सही सही जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके चलते 12 फरवरी को किसानों की केंद्रीय मंत्रियों से हुई बैठक, लेकिन बैठक बेनतीजा रही और फिर मंगलवार को व्यापक स्तर पर किसानों का आंदोलन शुरू हो गया, जिसके चलते शंभू बॉर्डर जंग का मैदान बन गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर पथराव कर दिया, जिससे वहां भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई और कई किसान घायल हो गए। बता दें कि पंजाब और हरियाणा की कई सीमा क्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच करने के लिए बॉर्डर पर अड़े रहे, वहीं पुलिस भी लगातार इन किसानों को वापस करने की कोशिशों में जुटी हुई थी। इन सबके बीच किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दिए, जिसमें कई किसान घायल हो गए हैं। टीम लोकमंगल की रिपोर्ट।